हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और एक्सेल में आज हम सीखेंगे डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करना, कैसे हम डेसिमल पॉइंट्स रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं, और अब हमें इनमें से डेसिमल पॉइंट्स हटाना है, हटा देना है इसमें से। जैसे ये 4.2 लिखा हुआ है, 3.22 लिखा हुआ है, ये -7.888 लिखा हुआ है, तो इसमें सब में डेसिमल लगे हुए, दशमलव वाला है सब, देख रहे हैं ना। तो हमको दशमलव हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो देखिए, दशमलव हटाने के लिए दो तरीकों से मैं आपको बताता हूँ। पहला फॉर्मूला तो इंटीजर का फॉर्मूला है। अब आपको तो पता ही है, इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना सब वीडियो बना चुके हैं कि आपको इतना पता लग गया होगा कि ये इंटीजर फॉर्मूला करेगा क्या। देखिए, इंटीजर या तो प्लस में या तो माइनस में वैल्यूज कंटेन करता है, रखता है अपने पास, ठीक है। तो जब इंटीजर फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने आप हट जाएगा। तो देखिए कैसे, ये इंटीजर लगाया हमने और यहाँ पर इसको सिलेक्शन में लिया, अब इसको बंद कर देते हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये 4.2 जो है 4 बन गया। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करवा देते हैं, तो ये देखिए जो भी डेसिमल में थे नंबर्स, वो डेसिमल पॉइंट्स रिमूव हो गए, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको होल नंबर मिल रहा है। कुछ इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं इंटीजर फॉर्मूले का यूज करके। तो अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो ट्रंक का फॉर्मूला दिया होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूले में आता है ट्रंक। तो इसमें कुछ स्टूडेंट कहते हैं फालतू में दिया होता है, फालतू में नहीं होता है, कोई भी चीज फालतू में नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे ट्रंक का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, तो ये ट्रंक लगा दीजिए, और अब इसी डेसिमल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, अब ये ऑप्शनल दिया हुआ है नम डिजिट, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ देखिए 4 हमें ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये इसको अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे, तो ये हमें 3 रिटर्न कर रहा है, ये -7 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, पीछे लेके जा रहा है, और यहाँ पर ये भी -7 रिटर्न कर रहा है, यानी कि अगर 0.5 या 5 से ऊपर होगा तब तो इंटीजर फॉर्मूला आगे बढ़ा देगा, नहीं तो पीछे कर देगा। लेकिन इसमें क्या है कि पीछे ही लेके जाता है, ये ट्रंक फॉर्मूला है, TRUNC ये ट्रंक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये ट्रंक फॉर्मूला था और इंटीजर फॉर्मूला, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।